हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12 जो क्लास 12 का है, द ट्रू ब्यूटी। पोएट्री का लेसन ट्रू ब्यूटी है, उसकी सेंट्रल आइडिया द ट्रू ब्यूटी। इसको लिखा है थॉमस कैरी ने। ट्रू ब्यूटी का मतलब है सच्ची सुंदरता। इसके आगे पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया। पोएम हम लास्ट पिछले वीडियो में, हमारा वीडियो बना हुआ है पोएम का, आप लोग उससे देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया में ध्यान से देखेंगे, इसमें कभी सच्ची सुंदरता के बारे में बात करता है, ना कि बाह्य सुंदरता के बारे में बताता है। बताता है बाह्य सुंदरता क्या होती है और सच्ची सुंदरता क्या होती है, उसके बारे में बताता है। तो अब हम ध्यान से देखेंगे। इन दिस पोएम राइटर डिस्क्राइब्स, इन मतलब में दिस पोएम, इस कविता में राइटर लेखक कवि डिस्क्राइब्स बताता है द क्वालिटी ऑफ ट्रू ब्यूटी। क्वालिटी मतलब होता है गुण, क्वालिटी मतलब गुण ऑफ ट्रू ब्यूटी, किसकी सच्ची सुंदरता की। इन दिस पोएम कवि लेखक कविता में डिस्क्राइब बताता है द क्वालिटी ऑफ ट्रू ब्यूटी, एक सच्ची सुंदरता के गुणों के बारे में, सच्ची सुंदरता के गुणों के बारे में। ही सेज, ही सेज मतलब वह कहता है, द ब्यूटीफुल लिप्स, द ब्यूटीफुल लिप्स, सुंदर होंठ, लिप्स मतलब होंठ, चीक्स गाल एंड आईज और आंखें, मेक अ वुमन मोर ब्यूटीफुल। क्या कहता है, ही सेज, वह कहता है द ब्यूटीफुल लिप्स, सुंदर होंठ, चीक्स गाल एंड आईज और आंखें, मेक अ वुमेन एक औरत को, मेक अ वुमेन एक औरत को बनाते हैं मोर ब्यूटीफुल और सुंदर। क्या बनाते हैं, और सुंदर मतलब सुंदर होंठ गाल और सुंदर आंखें। आई मेक्स अ वुमेन मोर ब्यूटीफुल, एक औरत को और सुंदर बनाते हैं। दैट इज नॉट परमानेंट, दैट इज नॉट परमानेंट, ये हमेशा के लिए नहीं होता। परमानेंट मतलब हमेशा, यह जो सुंदरता है वो हमेशा के लिए नहीं होती। आदमी जवान होता है, बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है, तो उसकी सुंदरता बुढ़ापे में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए ये लाइन कही गई, दिस इज नॉट परमानेंट, ये सुंदरता, लेकिन जो ये सुंदरता है वो हमेशा के लिए नहीं है। इट इज, इट डिक्रीजेस अस द टाइम पासिस, जैसे कि समय बीतता जाता है और ये घटती जाती है, डिक्रीजेस मतलब घटती जाती है। ऑन द अदर हैंड लव इज बेस्ड ऑन जेंटलनेस एंड प्योरिटी, कहने का मतलब है इट डिक्रीजेस अस द टाइम पासिस, जिस तरह से समय बीतता जाता है और ये घटते जाते हैं। ऑन द अदर और दूसरी तरफ, हैंड अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ या दूसरे ओर, अदर हैंड मतलब दूसरी, लव प्रेम इज बेस्ड ऑन जेंटलनेस एंड प्योरिटी, और जो प्रेम होता है, एंड लव मतलब प्रेम जो होता है बेस्ड आधारित होता है ऑन जेंटलनेस सज्जनता पर, एंड प्योरिटी और शुद्धता, प्योरिटी मतलब शुद्धता पर। इज परमानेंट, जो परमानेंट ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, जो चरित्र की परमानेंट ब्यूटी मतलब हमेशा की सुंदरता होती है, इज द ट्रू ब्यूटी, वही सच्ची सुंदरता होती है। अब ध्यान से हम देखेंगे आगे, फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे बोला इन दिस पोएम राइटर डिस्क्राइब्स, इस कविता में कवि बताता है द क्वालिटी ऑफ ट्रू ब्यूटी, एक सच्ची सुंदरता के बारे में। ही सेज, वह कहता है, दैट की द ब्यूटीफुल लिप्स चीक्स एंड आईज मेक अ वुमन मोर ब्यूटीफुल, कहता है कि सुंदर होंठ गाल और आंखें और एक औरत को और ज्यादा सुंदर बना देती है। अगर किसी औरत के आंखें गाल और होंठ बहुत ही ज्यादा सुंदर है तो वह और भी सुंदर लगने लगती है। बट लेकिन दिस इज नॉट परमानेंट, यह हमेशा के लिए नहीं होता है। क्या होता है, ये हमेशा के लिए परमानेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, दिस इज नॉट परमानेंट या परमानेंट नहीं है, मतलब हमेशा के लिए
पिक्चर डिक्रीजेस या घटता जाता है अस, इट डिक्रीजेस अस द टाइम, एज द टाइम, अस नहीं सॉरी एज होना चाहिए, इट डिक्रीजेस एज द टाइम पासेस, जैसे कि समय बीतता जाता है ये उसकी सुंदरता धीरे धीरे घटती जाती है। ऑन अदर हैंड और दूसरी तरफ लव प्रेम इज बेस्ड ऑन जेंटलनेस, जो प्रेम होता है वो किस पर, सज्जनता एंड प्योरिटी और शुद्धता पर आधारित होता है, इज परमानेंट, वह हमेशा के लिए होता है, परमानेंट ब्यूटी वही सच्ची सुंदरता या हमेशा रहने वाली सुंदरता होती है। ऑफ द कैरेक्टर चरित्र की, किसकी चरित्र की, ऑफ द कैरेक्टर इज द ट्रू ब्यूटी, वही चरित्र की सच्ची सुंदरता होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।